ये है देखिए IVRI, ये सब, ये है IVRI, हम आयु हैं IVRI, ये दिखा रहे हैं, देखिए कितना बड़ा IVRI है अंदर से, ये सब इसमें, ये देखिए पेड़ कितने बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है ये IVRI पशु का, बहुत बड़ा है ये पूरा IVRI है, बहुत बड़ा है ये, एकड़ों में बना है, मीलों में बना हुआ है। कार से हम अंदर जा रहे हैं, ये है सब IVRI, देखिए IVRI है ये। ये हम आ गए हैं CRI, अब हम आपको दिखा रहे हैं IVRI, हमने सोचा IVRI आज घूमे, यहाँ पर किस क्या क्या होता है, किस तरह से मिलती हैं मुर्गियाँ और अंडे, हमने सोचा दिखाएं सब। बहुत बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है ये IVRI का। तो ये मैं आई हुई यहाँ पर IVRI, आज मुझे कुछ मुर्गियाँ चाहिए थी तो मैंने सोचा ले लूँ यहाँ से, अच्छे बच्चे अगर मिल जाते हैं तो मैं ले लूँगी, और नहीं मिलेंगे तब कोई बात नहीं है। अब मैं इनसे बात करती हूँ यहाँ पर, यहाँ पर आ गई हूँ मैं, ये सब दिखा रही हूँ। अच्छे इन्होंने यहाँ पर बेगम बोलिया, बहुत बढ़िया किला है, ये है बेगम बोलिया, और ये सामने पशु केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्था है ये लिखा हुआ है। अरे मैडम, ये है देखिए IVRI, ये सब, ये यहाँ पर हम आए हुए हैं IVRI में, बहुत बड़ा है IVRI, ऐसे इंसान घूम भी नहीं सकता यहाँ पर, कितना बड़ा है, आसान नहीं है यहाँ पर घूमना। बहुत मीलों में बना हुआ है साहब, ये तो बहुत बढ़िया। देखिए सामने का हिस्सा, बहुत दूर यहाँ पर हम आगे गए थे, यहाँ पर आगे मुर्गियाँ मिलती, ये है गाय भेड़ और बच्चे इनके खड़े हुए, देखिए रोड के इस पर आ गए तो ही हमने, ये है यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर बना हुआ, रामकिशोर मंदिर में चले गए, ये है IVRI, ये हम यहाँ पर आए हुए थे, हमने सोचा आपको दिखाएं, बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है ये IVRI का, यहाँ पर ये बहुत हरा भरा है हमारा IVRI, देखिए कितने पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं ये सामने, ये देखिए कितना बड़ा है, ह्यूज है, यहाँ पर सारे गेम होते हैं, यहाँ पर गेम होते हैं, यहाँ पर गेम खेलते हैं,
ये देखिए कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है, पूरा मैदान बहुत बड़ा मैदान है। ये इन्होंने यहाँ पर चिड़ियों के पानी के पीने के लिए व्यवस्था करी है। ये है क्यारी, इसमें सारे फूल लगे हुए हैं गुलाब के। देखिए कितना बड़ा ह्यूज मैदान, बहुत IVRI का यहाँ पर गेम होते हैं। छोटी छोटी चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, ये देखिए टटीरी। ये है क्यारी, क्यारी में सारे फूल लगे हुए हैं। यहाँ पर सीजनल प्लांट है लगे हुए। अब हम बाहर जा रहे हैं। ये है देसी गुलाब लगे हुए। अब ये हम बाहर निकल रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े कमरों में यहाँ पर प्लांट लगे हुए हैं। दूसरी साइड कितना अच्छा हरा भरा यहाँ पर सब है। यहाँ पर हरा भरा ग्रीन, कितने बड़े बड़े ह्यूज पेड़ ये सब। ये अंदर से मैं आपको ये IVRI दिखा रही हूँ। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर मैं आई हुई हूँ। ये है बहुत बड़ा IVRI। ये देखिए ये आई हुई हूँ मैं यहाँ पर। मैंने सोचा आज मुझे कुछ मुर्गियाँ मिल जाएं, लेकिन आज मुर्गियाँ नहीं मिल पाई। मैं देर हो गई थी, मुझे कहते मॉर्निंग में आना पड़ेगा आपको मुर्गियाँ अगर चाहिए हैं तो मैं इसीलिए कल आऊँगी मैं यहाँ पर। मैं आ गई हूँ तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये देखिए इनका वेटनरी पूरा सेंटर, रिसर्च सेंटर CARI का ये है। ये है यहाँ पर मैं पेड़ों की छांव में खड़ी हुई हूँ। बहुत बहुत बड़े पेड़ हैं यहाँ पर, ये देखिए। आज मुझे देर हो गई थी यहाँ पर, सुबह ही सुबह उन्होंने कहा अगर आपको मुर्गियाँ चाहिए हैं, बच्चे चाहिए तो सुबह में आना है आपको, सुबह यहाँ पर 8 बजे आप आ जाएं। तो मैं कल आऊँगी यहाँ पर सुबह 8 बजे, यही सोच रही हूँ, तभी मिलेंगे मुझे। और मैं यहाँ पर आई 10:30 बजे, मुझे पता नहीं था, टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं था किस टाइम पे मिलेंगी, तो मुझे देर हो गई आज। देखिए बड़ा बड़ा बरगद का पेड़, कितना पुराना है ये बरगद का पेड़। देखिए बहुत पुराना बरगद है ये। सामने इधर है बरगद का पेड़ पुराना हरा भरा। देखिए कितना अच्छा हमारा ये IVRI, कितना बड़ा पेड़ सामने। ये भी बरगद का पेड़ है। बहुत पुराने पुराने यहाँ पर बरगद के पेड़ हैं। देखिए इनकी कटिंग पेड़ों की इस तरह से। माली अच्छा है कोई, यहाँ पर बहुत मेंटेन करे हुए IVRI को। हम आए हुए हैं फ्रूट मार्केट और हमने सोचा ले लें सेब। 220 रुपये मिला है सेब। ये है इनकी मौसमी, ये है अनार सेब। यहाँ पर सारे फ्रूट मिल रहे हैं। ये देखिए फ्रूट मार्केट आई हुई हूँ मैं यहाँ पर। और ये मौसमी हरी हरी दिख रही है और ये सारे फ्रूट हैं यहाँ पर। अब मैं इधर से लूँगी नारियल, कच्चा नारियल। नारियल तोड़ के देना भैया। कितने का है नारियल? 40 रुपए का।
चैनल तोड़वा लो, तोड़ देंगे ये खराब ना निकले अंदर से, नहीं टूटेगा। हाँ चलो ये तोड़ रहे हैं नारियल। आदित्य नाच चौराया है ये, देखिए कितना अच्छा डमरू बनाया है इन्होंने, ये है डमरू, ये देखिए। बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने ये, यहाँ पर फूल सूख गए, ये 15 अगस्त को लगाए होंगे इन्होंने, महारानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये है महारानी, झांसी वाली रानी, ये यहाँ पर इन्होंने बनाई है इस तरह से। यहाँ पर लाइटें लगी हुई है, रात में लाइटें जलती हैं तो बहुत अच्छी दिखती है। ये पार्क बनाया है छोटा सा इन्होंने, ये देखिए कितनी अच्छा है, बहुत अच्छा बनाने वाले ने बहुत अच्छा बनाया है। खूबसूरत बनाया है महारानी लक्ष्मीबाई का, यहाँ पर बीच में बिल्कुल बरेली में बनाया हुआ है। प्लांट्स लगाए हुए हैं सारे, बहुत अच्छे ब्यूटीफुल प्लांट्स।